हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। एक मुर्गी थी, उसने एक अंडा दिया था। वो उस अंडे को रोज सेती थी और एक दिन भोजन के लिए वह अपने बाड़े से बाहर गई और अंडे में से एक प्यारा सा चूजा निकला। आसपास उस चूजे को कोई नहीं दिखा तो उसने सोचा, मेरी माँ कौन है? ऐसा सोचकर वो एक मोरनी के पास गया और बोलता है, क्या तुम मेरी माँ हो? मोरनी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो कोई और है। ऐसा चूजा ने सुना तो फिर वो आगे बढ़ गया, फिर एक गाय के पास पहुँचा और फिर बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? तो गाय ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो कोई और है। इतना सुनकर चूजा और आगे बढ़ गया। फिर उसे एक तोती मिली तो चूजे ने पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? तो तोती ने कहा, नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, तुम्हारी माँ तो कोई और है। ऐसे सुनकर चूजा और आगे बढ़ जाता है। फिर उसे रानू चिड़िया मिलती है। फिर चूजा बोलता है, क्या आप मेरी माँ हो? तब रानू चिड़िया बोलती है, नहीं राज दुलारे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो कोई और है बेटा। फिर वो बोलता है, ठीक है आंटी, फिर मैं अपनी माँ को खोजता हूँ। ऐसे बोलकर चूजा आगे बढ़ गया। फिर चूजा एक बकरी के पास गया और बोला, ये तो ज़रूर मेरी माँ होगी। फिर बोलता है, आप तो मेरी माँ ज़रूर होंगी। तब बकरी बोलती है, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फिर चूजा आगे बढ़ जाता है और निराश हो जाता है। फिर मन ही मन में सोचता है, आखिर मेरी माँ कौन है जो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई है। ऐसा सोचते हुए चूजा आगे बढ़ जाता है। फिर उसे एक बतख मिलती है। फिर वो बोलता है, क्या तुम मेरी माँ हो? तो बतख बोलती है, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फिर वो चूजा आगे बढ़ जाता है। फिर उसकी नज़र एक मुर्गी पर पड़ती है और वो वहाँ जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरी माँ हो? तो मुर्गी बोलती है, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और मुर्गी अपने चूजे को अपने गोद में लेकर प्यार करने लगती है। इस तरह से चूजा को उसकी माँ मिल जाती है, उसकी माँ को उसका बेटा मिल जाता है और दोनों खूब प्यार करते हैं और अपने बाड़े में आ जाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।